तो चल पड़े हैं फिर एक बार हम अपने नए सफ़र पे। इस बार मेरे को जाना था भोपाल, और फिर रात को मतलब देर मेरे को उठना पड़ा, करीब करीब 3 बजे के आसपास उठना पड़ा। फिर नहा धोकर फिर निकल चले अपने सफ़र पे। ओला वाले भैया को बुला लिया था, टाइम से आ गए थे। तो जैसे ही बाहर निकले, एक तो ठंड बहुत थी, दिसंबर का महीना है, और ऊपर से सड़क पर कोई नहीं था। मतलब टिपिकल रात थी, फ़्लाइट थी सवेरे 5:50 की। तो यहाँ से हम फिर इंडिया गेट को ढूंढते हुए गए, जब इंडिया गेट के सामने से जा रहे थे तब, बट मगर इंडिया गेट हमें वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। और सड़क तो जैसे दिख ही रहा है कि बिल्कुल कोई ट्रैफिक था ही नहीं वहाँ पे। अब इंडिया गेट फिर कभी आएंगे? तो फिर यहाँ एंट्री पे जब हमने देखा तो एकदम कोई भीड़ नहीं थी। तो फाइनली चेक इन करने के बाद हम पहुंच गए हैं अंदर। ये है टर्मिनल 1। तो अभी तो कुछ खाने पीने का भी नहीं है, अब तो कोई प्लान नहीं है, अभी तो अंदर चलते हैं सीधे। मेरे पास चेक इन नहीं है और देखते हैं। रिस्किंग एरिया है 4:30 बजे के हिसाब से। ये थोड़ी सी भीड़ लग रही है मेरे को तो, लेकिन ये उतनी नहीं है जितनी कि टर्मिनल 3 पे बता रहे हैं। इस वक्त 2-2 घंटे 2.5 घंटे की वेटिंग आ रही है। फिर इसके बाद फिर जैसे ही वहाँ पे एंटर करे तो देखा कि मैं अकेला ही नहीं हूँ जो एयरपोर्ट पे आया हूँ। एयरपोर्ट खचाखच भरा हुआ था, ऊपर की तरफ लाउंज थी। तो फिर मैंने सोचा लाउंज जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि सिर्फ 1 घंटा बचा था, तो अगर लाउंज में टाइम बिताना है तो थोड़ा होना चाहिए। फिर यहाँ एन क्लेम कि हम लाउंज में चले गए। फिर सोचा थोड़ा कुछ नाश्ता वाश्ता सा कर लिया जाए। खाने पीने के लिए बहुत कुछ था। फिर यहाँ पर देखा पोहा था, ब्रेड थी, बटर थी, और मैंने कॉफ़ी ली। और साथ में बहुत सारे लोगों को मालूम है कि फ्लाइंग करके एक बहुत बड़ा एक यूट्यूब चैनल है, आगे कुछ और भी है उसके। तो वो यहाँ से इंस्पायर हुए थे नाम के लिए, क्योंकि वो खुद एक एयरपोर्ट पे, उनकी एक जॉब थी, पायलट थे या जो भी थे, तो उन्होंने यहाँ से इंस्पिरेशन ली थी और फिर अपना नाम रखा था। तो ये था हमारा फिर एयरक्राफ्ट, इंडिगो का एयरक्राफ्ट था। तो फिर धीरे धीरे मतलब काफ़ी लोग थे, मेरा सीट नंबर 17 था। तो पहले तो बोले कि पीछे चले जाओ, फिर मैंने कहा यार 17 जो है वो बीच में ही आता है तो जाने दो। तो फिर उन्होंने फिर अलाउ कर दिया। तो फिर अपनी सीट वहाँ पे मैंने ली, विंडो वाली सीट मिली थी मेरे को। तो जब मतलब जब सूर्योदय होगा, जब सनराइज़ होगा, तो सन दिखाई देगा, ऐसा सोच के मेरे को अच्छा लगा। फिर फ्लाइट टेक ऑफ करने लगी तो एक दिमाग में ये भी था कि जैसे दिल्ली की बहुत एक इमेज ये है कि यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं ऊपर से पॉल्यूशन कितना, अगर सचमुच इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है तो ऊपर से कुछ नज़र आएगा या नहीं आएगा। तो फिर यहाँ से ये दिल्ली एयरपोर्ट से जैसे ये स्टार्ट हुआ तो वहाँ आसपास की कॉलोनीज़ नज़र आने लगी। ये यहाँ पे शायद आई थिंक ये पालम नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद द्वारका नज़र आएगा। तो जो भी लोग द्वारका से ये वीडियो देख रहे हैं, मे भी अपनी सोसाइटी चेक कर सकते हैं कि दिख रही है या क्या है। तो जहाँ तक मेरे को लगा कि उस दिन इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं था, तो एकदम ऊपर जाने के बाद भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे फिर हम जैसे ही हम अपने भोपाल की तरफ गए, तो भोपाल जैसे ही पहुँचे तो वहाँ से प्लेन ने यू टर्न लिया, और जब प्लेन यू टर्न लेता है तो एक साइड बिल्कुल झुक जाती है, तो बड़ा एक अच्छा सा एक व्यू नज़र आता है। तो फिर जब ऐसे ही गोल चक्कर लगा रहा था तो फिर दूर एक झील भी दिखाई दे रही है, इनफैक्ट 2 झील दिखा रही है, एक उल्टे हाथ पे भी झील दिखाई दे रही है। और भोपाल को कहा जाता है कि ये झीलों का शहर है, हालांकि ये बात उदयपुर वाले भी बोलते हैं कि हमारा भी झीलों का ही शहर है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि उदयपुर और भोपाल दोनों जगह झील बहुत हैं, बहुत सारी झील है। इनफैक्ट झील की एक कहानी है भोपाल से रिलेटेड, जो मैं आगे जाके कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक बार दिखा सकूँ। तो धीरे धीरे ये एयरक्राफ्ट नीचे उतरना स्टार्ट हो गया, और जो इसके जो विंग्स थे वो अलग ही शेप में खुलने लग गए, मे भी शायद उनको कुछ रजिस्ट करना हो। और दूर देखिए आपको यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा एक मंदिर दिखाई दे रहा है, एक पहाड़ की चोटी पर, और ऊपर एक होटल भी है ये वाला। तो ये दूर से ही मतलब फ्लाइट से दिखाई दे रहा था, तो मतलब बड़ा अच्छा सा लग रहा था कि फ़्लाइट से इतना ज़्यादा क्लियर चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर धीरे धीरे जैसे ही वो नीचे की तरफ अपना पहुँचने गया तो ये बस ग्राउंड को हिट करने ही वाला है, बस अब ऑलमोस्ट कुछ ही सेकेंड्स में। और फिर जैसे ही फिर ये जब ये यहाँ पे ये हिट करता है तो फिर एक छोटा सा एक झटका सा महसूस हुआ था, मे बी शायद कैमरे में वो चीज़ कैप्चर नहीं हो पाई होगी, बट एक छोटा सा एक झटका ज़रूर लगता है। फिर ये एयर को रजिस्ट करने के लिए, हवा को रोकने के लिए, फिर इसके डैने इस तरीके से खुल गए। तो ये भी मतलब मैंने ऐसे ही देखा। तो ये था कि एयरक्राफ्ट जिसके थ्रू हम आए, और फिर सामने हमारी बस हमारा इंतज़ार कर रही थी हमको बैगेज की तरफ ले जाने के लिए। फिर एयरपोर्ट से फिर मैं बाहर निकला और वही जो होटल मेरे को ऊपर से दिखाई दे रहा था मेरे को यहाँ से फिर दिखाई दिया। उसके बाद फिर कैब वाले, ओला वाले भैया आ गए थे,
ये राजा भोज हैं जिनकी एक बहुत बड़ी एक प्रतिमा लगी हुई है, बहुत रेस्पेक्टेबल हैं। इनफैक्ट उन्होंने बहुत ग्रो किया था भोपाल को। फिर हमने होटल में अपनी एंट्री ली तो होटल रूम तो अच्छा खासा था, साफ़ सफाई अच्छे से थी। आपको भी मालूम है कि कोविड के बाद साफ़ सफाई का मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों का फोकस कुछ डिफरेंट है। तो होटल काफ़ी अच्छा था, बेड अच्छा था, कंफर्टेबल था, पानी वानी एकदम बढ़िया, एकदम साफ़, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, वर्किंग टेबल थी। फिर हम आ गए यहाँ का स्वाद चखने के। तो ये है, बहुत बड़ा स्वाद है भोपाल का। मतलब आपको बाकी खाने के लिए तो कहीं पे भी कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मे भी शायद दिल्ली वगैरह में नहीं मिलेगी। ये है चाय यहाँ की, और ये चाय का जो स्वाद है, मैं शर्त लगाता हूँ ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सरन चाय करके था, तो हमारी चाय हमारे पास आ गई थी तो उसका हमने लुत्फ़ उठाया, और ये चाय ऐसी थी कि मतलब एडिक्ट होने वाले काम थे ये, बिल्कुल आप बिना एडिक्ट हुए नहीं रह सकते। फाइनली आई स्टार्टेड माय डिनर विद द सूप, बट दिस इज कॉर्न सूप अवेलेबल। इन द मीनवाइल आई एम जस्ट चेकिंग व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया। तो अब मैं पर्सपेक्टिव दे देता हूँ थोड़ा सा कि मैंने डिनर में क्या चूज़ किया। तो ये तो है एम्बियंस, और यहाँ से मैंने चूज़ किया है मंचूरियन, नूडल्स, चना चाट, सम हलवा, पनीर भुर्जी एंड सम आलू। सारी मीटिंग्स वगैरह ख़त्म करके वापस चल पड़े दिल्ली की तरफ। तो थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा सा और शूट कर लें, क्योंकि रोशनी बहुत अच्छी थी। तो फिर ये झील दिखाई दे रही है, और ये कृत्रिम झील है, मतलब आर्टिफिशियल झील है, ये नेचुरल नहीं थी। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि एक बार जो यहाँ के राजा भोज हैं, जिनकी मैंने प्रतिमा दिखाई थी आपको, तो राजा भोज एक को एक बार स्किन की कुछ प्रॉब्लम हुई थी, किसी को भी हो सकती है, हम लोगों को भी होती है। तो उन्होंने अपने जितने जो वैद्य वगैरह थे उन सबको बुलाया, उनको बोला कि इसका इलाज ढूँढो। तो उन्होंने बहुत सारी जड़ी बूटियाँ लेके आए। तो जब राजा भोज को ये पता चला कि ये सचमुच इतनी जब अच्छी हैं जड़ी बूटियाँ, तो क्यों ना इनको हम अपने यहाँ उगाएं। तो इन्होंने क्या किया कि इस पूरे एरिया के आसपास यहाँ पे उन्होंने ये जड़ी बूटियों के पेड़ लगवा दिए, पौधे लगवा दिए, जड़ी बूटियाँ उगवा दी, और ये एक झील बनवा दी, ताकि इस झील में उन सारी जड़ी बूटियों का, उन सारे जो जितने औषधीय गुण वाले पेड़ हैं उनके अंश आ जाएँ। तो यदि अगर कोई अगर यहाँ पर स्नान भी करे तो उसकी स्किन डिजीज़ ख़त्म हो जाए। तो ये है वो राजा भोज, सम्माननीय राजा भोज, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इनके नाम से बहुत सारे कथाएं हैं, मुहावरे हैं, जैसे एक है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो वो एक बड़ी पॉपुलर सी एक मुहावरा है। तो वापस आ गए फिर हम एयरपोर्ट, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राजा भोज की एक प्रतिमा है, बहुत सम्माननीय थे। यहाँ पे फिर अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गई कि आप अपना जो बड़ा वाला बैगेज है वो नहीं ले जा सकते, क्योंकि पूरी फ्लाइट जो है वो खचाखच भरी हुई है। तो हमारा एयरक्राफ्ट भी लग चुका था, सिक्योरिटी चेक क्लियर कर लिया था, यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो उसके बाद फिर हमने अपनी सीट संभाली और फिर दोबारा से एक बार कोशिश करी, क्योंकि रोशनी बहुत अच्छी थी, कि देखें शायद कि कुछ हम शूट कर पाएँ, कुछ कैप्चर कर पाएँ। तो जब ऊपर से हम जब जा रहे थे तो तब एकदम से ध्यान गया कि शायद पीछे कुछ उड़ता हुआ सा नज़र आ रहा था। तो देखा तो ये एक और प्लेन था जो जस्ट हमारे पीछे था। तो पहले तो साइड में उड़ता रहा, फिर देखा कि धीरे धीरे ये हमारे पीछे की तरफ आने लगा। तो समझ में आ गया कि ये शायद ये हमारे बाद उतरने वाला प्लेन होगा जो दिल्ली में उतरेगा। और यहाँ पे जब हम देख रहे थे तो उतर दिल्ली के पास हमें नोएडा दिखाई देने लग गया, और यहाँ पे बड़ी हेजी सी वीडियो आ रही है। तो वो फिर समझ में आ गया कि पॉल्यूशन इन एक दो दिन में ज़्यादा बढ़ गया है, और यहाँ से सोसाइटीज़ नज़र आ रही हैं, बहुत सारी शॉप्स मॉल्स नज़र आ रहे हैं नोएडा के, और साथ में नज़र आ रहा है बहुत सारा पॉल्यूशन, जिसकी वजह से पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है। ये था ये जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है कालिंदी के पास,
बिल्डर का नाम तो नहीं लूँगा मैं, बट यमुना नदी के एकदम किनारे पे है और आई थिंक नॉर्थ की सबसे लंबी बिल्डिंग है ये अभी तक की। तो धीरे धीरे फिर हम धीरे धीरे हवाई जहाज़ नीचे की तरफ उतरने लगा, डिसेंड करने लगा और टच डाउन होने का इंतज़ार करते रहे, उस एक झटके का इंतज़ार करते रहे जो टच डाउन होने के बाद लगता है। तो फाइनली फिर अगेन फिर वही डैने खुल गए थे और धीरे धीरे फिर एक चीज़ें नोट करी कि ऊपर से भले ही बहुत रोशनी नज़र आ रही थी बट नीचे उतनी रोशनी नहीं थी, नीचे मतलब सिटी लाइट्स जलनी स्टार्ट हो गई थी। फिर वापस चल पड़े अपने घर की तरफ, आगे अपने उस टनल की तरफ जो जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था, बहुत अच्छा आर्ट था यहाँ पे जो साइड में लगा रखा था, बट जाम था काफ़ी टनल के अंदर। तो फिर बाद में पता चला कि जब ये जो जाम है वो किसी एक कार की वजह से है जो वहाँ पे ब्रेक डाउन हो गई थी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हस्तशिल्प का आपको बहुत अच्छे अच्छे नमूने मिलेंगे, आर्ट बहुत अच्छा यहाँ पे आपको मिलेगा, मतलब एक आप कह सकते हो एक समागम है मॉडर्निटी और जो हमारा ओल्ड कल्चर है, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। भले यहाँ पे जाम था बट ये यहाँ पे जैसे मैं आर्ट देख रहा था तो मेरे को वो महसूस नहीं हुआ बिल्कुल भी कि वो जाम कितना लंबा है क्या है, क्योंकि आर्ट फॉर्म्स बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो आप भी अगर इधर ये जाते हैं तो आप बताना, अगर आप यहाँ से गुजरे हो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये आर्ट फॉर्म कैसा नज़र आया और इस आर्ट फॉर्म में आपने क्या क्या चीज़ें नोट करी, ऐसे कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं या कुछ एक जेस्चर्स होते हैं जो वो अगर आपने कुछ नोट किया हो यहाँ के बारे में और आप रियली सपोर्ट करते हो इस आर्ट फॉर्म को टनल के अंदर या नहीं करते हो, जो भी आपने नोट किया हो। तो फाइनली फिर जब ट्रैफिक क्लियर हो गया तो हम चल पड़े अपने घर की तरफ। तो इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होने वाला है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। बाकी मैं आता रहूँगा और बहुत सारे इस टाइप के वीडियोज़ लेके, अब रेगुलर रहेंगे। बीच में हैक हो गया था चैनल जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी। गुड बाय, टेक केयर।